सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 10 एसएसएन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसएसएन एंड रीजन में दिया हुआ क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल होगा। ये जो चार ऑप्शन देख रहे हो ना, ये हर एसएसएन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आपको यही चार ऑप्शन मिलेगा। इसी चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, वो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। तो एसएसएन और रीजन कुछ और नहीं है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस दो स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपके हिसाब से क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट, उसके हिसाब से मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि क्या वो ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि आपको एसर्शन एंड रीजन पढ़ना है और स्टेटमेंट को देखना है कि एसर्शन सही लग रहा है यानी सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीजन भी जो स्टेटमेंट दिया वो भी सही है, और जो रीजन दिया हुआ है वो एसर्शन के बारे में ही बताया जा रहा है, तो आप ऑप्शन ए यहाँ पे टिक करना, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट एसर्शन भी सही है, स्टेटमेंट रीजन भी सही है, और जो भी रीजन में बताया जा रहा है वो अगर एसर्शन से रिलेटेड है तो पहला देना है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला दिया हुआ, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी स्टेटमेंट को पढ़ना है और पहला स्टेटमेंट देखना है कि वो अगर सही है तो एसर्शन ट्रू, और रीजन को पढ़ना है, अगर रीजन भी सही है तो वो भी ट्रू, और एसर्शन कुछ और के बारे में बात कर रहा है और रीजन कुछ और के बारे में बात कर रहा है, तो इस सिचुएशन में दोनों सही होगा, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी रीजन अगर एसर्शन के बारे में नहीं बोला जा रहा है और दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपको ऑप्शन बी बताना है, ठीक है। फिर आपने स्टेटमेंट को पढ़ा और कहीं ऐसा मिल गया कि एसर्शन वाला स्टेटमेंट सही है और रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है, तो उसके लिए आप ऑप्शन सी यूज करोगे। और कहीं ऐसा हो गया कि एसर्शन वाला स्टेटमेंट गलत है और रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, तो उसके लिए आप ऑप्शन डी यूज करोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों के पास टोटल 10 क्वेश्चन है, और देखिए जो भी ए बी सी डी यहाँ पे हम देखेंगे वो आपका ये ऑप्शन जो है वो ए का मतलब ये समझना, बी का मतलब ये, सी का मतलब ये और डी का मतलब ये। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एसर्शन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज हायर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। ओके, चलिए वन बाय वन हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। देखिए बोल रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज हायर देन दैट ऑफ लिक्विड, गलत है। रेट ऑफ डिफ्यूजन कहने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमें देखने को मिलता है लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड, तो जिसमें जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। यानी कि ये तो गलत है, एसर्शन गलत है। अब रीजन की बात करते हैं, इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, ये सही है। यानी ये बोल रहा है कि लिक्विड में पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकता है और इसके बीच जो स्पेस होता है ना वो सॉलिड के कंपेयर में सही होता है। यानी इस सिचुएशन में क्या बोल रहा है, एसर्शन इज सही है और सॉरी एसर्शन गलत है और रीजन क्या है, सही है। तो इसके लिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद अगला देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये कि नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विथ मींस विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू। यानी नेफ्थलीन ये एक ऐसा मतलब सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन में जाता है, यानी कि ये जब इसको हीट करोगे तो ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये इवन मतलब कि लिक्विड से भी पास नहीं करता, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सही बोल रहा है कि नेफ्थलीन जो है वो सब्लाइम होता है, यानी कि डायरेक्टली ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए किसी भी तरह का रेसिड्यू नहीं बचता है। उसके बाद अगला क्या बोला है, नेफ्थलीन बॉल्स कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट वेरी क्विकली, गलत है। वो सॉलिड से किस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, ये लिक्विड से पास नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसर्शन जो है वो सही है, रीजन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन इसके लिए सी जो होगा वो सही होगा, क्लियर है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स अनएफेक्टेड। नहीं, गलत है। जब इवेपोरेट होता है, यानी कि लिक्विड इवेपोरेट कब होता है, कोई भी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, तो ऑब्वियसली लिक्विड जब तक टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो इवेपोरेट नहीं होगा, तो रिमेन्स अनएफेक्टेड गलत है यहाँ, यानी कि यहाँ पे एसर्शन जो है वो गलत है। अगला क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सही बात है।
ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और मूवमेंट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, यानी कि जो भी बॉडी मोशन में होता है उसमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होता है। फिर उसको लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि और भी ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि रीजन जो है वो सही है। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। एसर्शन क्या दिया हुआ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है, एसर्शन सही है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अगला देखते हैं रीजन क्या दिया हुआ है, कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर इन सॉलिड देन लिक्विड। गलत है, सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी 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 गलत है, सही है सही है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है ना, मैंने सोच लिया स्पेस की बात, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, क्या ये जो रीजन है वो एसर्शन को मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली मूवमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड होता है। और मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, यानी कि कोई भी पार्टिकल्स कब मूव कर सकता है, जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रांग होगा तो मूवमेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एसर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में इसलिए है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्लियर है? ओके, देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन अ प्लेट इज हायर देन दैट इन अ कप। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम कोई वाटर को प्लेट में रखते हैं तो इस सिचुएशन में इवेपोरेशन का रेट जो होता है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कप। तो हमें पता है कि प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है और कप का जो सरफेस एरिया है वो कम है, और इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो ये तो सही है, ठीक है, ये एसर्शन तो सही है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। सही बात है कि अगर आप ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देते हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि आसपास अगर बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो जो वाटर इवेपोरेट होना है वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आपके एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे रीजन भी क्या है, सही है, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी इवेपोरेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी होता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ये जो बात किया जा रहा है, ये एसर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन एसर्शन रीजन जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर दी जाती इस रीजन में तो हम यहाँ पे कहते कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। लेकिन यहाँ पे कुछ और बात किया जा रहा है। लेकिन जो भी स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन इसका प्रॉपर इसका कह सकते हो कि आंसर क्या होगा, कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और यहाँ पे सरफेस एरिया के बारे में नहीं डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ पे किस चीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में इसका ऑप्शन बी होगा, यानी एसर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्लियर है? ओके, अगला देखते हैं, स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स ऑल अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स फ्यूम्स इनटू एयर। सही बात है कि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है वो पूरे रूम में फैल जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अगरबत्ती मैंने जलाया, जो इसमें से एयर जो पार्टिकल्स निकला वो क्या करता है, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ वो डिफ्यूज हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे सही चीज बोला गया है कि जो भी स्मेल मतलब इंसेंस स्टिक से निकलता है वो हमारे आसपास से पूरा स्प्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है मतलब फ्यूज जो है वो एयर के साथ डिफ्यूज कर जाता है। तो एसर्शन सही है, इंक्रीज टेम्परेचर रिजल्ट इन इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये भी सही है, अगर मान लिया जाए हम अगरबत्ती को अगर ना जलाएं तो ऑब्वियसली वो फ्यूम्स में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमने जब उसको हीट किया, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तब जाकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, यानी कि सॉलिड से वो
गैस में कन्वर्ट हुआ और गैस में पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कैसे बढ़ाया जा रहा है, जब हम उसको बर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब जाकर के फ्यूम्स निकल रहा है, और फ्यूम्स फाइनली वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और टोटल चार है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसमें क्या दिया हुआ, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स, यानी कि हमारे घर में कुछ भी कुकिंग होता है तो उसकी जो सुगंध होती है वो तुरंत हम तक पहुंच जाता है। ओके चलिए, ये तो क्लियर है, एसर्शन तो सही है। उसके बाद रीजन क्या है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द गैस, गलत है। यानी यहाँ पे डिफ्यूजन जो सॉलिड का जो डिफ्यूजन है वो बताया जा रहा है गैस के कंपेयर में ज्यादा, जो कि गलत है। क्लियर है, क्योंकि सॉलिड में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कम होता है और गैस में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे रीजन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन इस सिचुएशन में सी हो जाएगा, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया नेफ्थलीन डज नॉट लीव अ रेसिड्यू व्हेन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम। सही बात है कि नेफ्थलीन जो होता है वो सबलाइम होता है, यानी कि ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए किसी भी तरह का रेसिड्यू नहीं बचता। रीजन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ अ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, गलत है जी। गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस अगर कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे assertion सही है और रीजन क्या है, गलत है। अगर यहीं पे अगर ये वर्ड दे देता ना सब्लिमेशन, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं कि assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और assertion इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। ठीक है, सॉरी, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। क्लियर है, ये कब होता है, जब यहाँ पे सब्लिमेशन वर्ड दे देता है, और ये चीज इसी चीज को इंडिकेट कर रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन दिया हुआ है, इसमें यह दिया हुआ कि देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट दो इट इज स्टिल बीइंग हीटेड। यानी बोल रहा है, मान लिया जाए हमारे पास सपोज दैट आइस है, ठीक है, और आइस का भी टेम्परेचर सपोज दैट 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद ये मान लिया जाए अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर कुछ समय के लिए कॉन्स्टेंट रहता है। यानी कि स्टेट जब चेंज होता है तो उस सिचुएशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ये हीट एनर्जी जाता कहाँ पे, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं है, और ये इसका स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या रोल हो रहा है हीट का। तो देखिए, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, इस सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच स्पेस जो काफी कम है, ये हीट इस पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए यूज करता है। तो जब ये धीरे धीरे ब्रेक होता है तो पार्टिकल्स के बीच स्पेस क्रिएट होता है और फाइनली इसका स्टेट चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं जब किसी भी लिक्विड सॉरी किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है ना, तो उस समय टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो दोनों के बीच जो फोर्स है ना उसको ब्रेक करने के लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये चीज सही है, एसर्शन क्या है, सही है। बोल रहा है कि जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, यानी कि जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, ये सही है। उसके बाद बोला था हीट सप्लाइड इज एब्जॉर्ब आइदर एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और सही बात है कि जो हीट सप्लाई करने के बाद किसी भी तरह का टेम्परेचर में चेंजिंग ना मिले उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी कि हिडन हीट। हिडन हीट कहने का मतलब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वैसे हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। तो हम यहाँ पे assertion सही बोलेंगे, रीजन सही बोलेंगे, और इसका जो रीजन है टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीट को लेटेंट बोला जा रहा है, वो हिडन हो जा रहा है, ठीक है, और वो हीट कहाँ पे यूज हो रहा है, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए यूज किया जा रहा है ताकि उसका स्टेट चेंज हो सके। तो assertion सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखिए, ड्यूरिंग evaporation ऑफ लिक्विड द टेम्परेचर रिमेन्स अनएफेक्टेड। देखिए गलत है ये, यहाँ पे assertion क्या है, गलत है। ऑलरेडी हमने देखा था कि जब इवेपोरेट मतलब इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड क्या करता है, उस हीट एनर्जी को जब तक एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, इसलिए assertion गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चीज हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अगर मान लिया जाए सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और
सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच जो मूवमेंट होता है वो काफी कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है और गैस में और भी ज्यादा होता है। तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? हीट को सप्लाई करने के बाद, यानी हीट अगर इन सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ रहा है, और पार्टिकल्स के बीच अगर कोई भी बॉडी मोशन में हो तो उसमें जो भी एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ओवरऑल मोशन बढ़ रहा, मूवमेंट बढ़ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो ये कह सकते हैं रीजन सही है। तो हम इस सिचुएशन में ऑप्शन डी बोलेंगे, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, तो ये था टोटल टॉप 10 क्वेश्चन, मतलब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो और इस चैनल में इसी तरह का आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।